कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो अथॉरिटी ड्रिवन होते हैं कुछ एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनको अच्छी सैलरी पैकेज रिक्वायर्ड है कुछ एम्प्लॉयज है जिनका बहुत सी स्ट्राइल होता है कुछ एम्प्लॉयज हैं जो कि कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देने के अहल होते हैं इन सब फैक्टर को देखते हुए और अगर एम्प्लॉय को एक स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग दे दी जाए जिसके बाद एम्प्लॉय से काम लेना आपका आसान हो जाता है और एम्प्लॉय का एक अच्छा एटीट्यूड डेवलप हो जाता है टुवर्ड जॉब तो इसको हम लोग कहते हैं डी स्टूडेंट्स जॉब सेटिस्फैक्शन रिलेशन विद सेट्सफैक्शन जॉब सेटिसफैक्शन एंड एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी इंप्लाई प्रोडक्टिविटी के साथ जॉब सेटिसफैक्शन का बहुत गहरा तलक है द इम्प्लाई हुई सेटिसफाइड विद हीज ही प्रोडक्टिव राधर दैन दोफाइड विद जॉब सेटिसफैक्शन एंड एबसेंटिज्म की एबसेंटिज्म कम होगी जॉब सेटिसफैक्शन एंड टर्न ओवर सेटिसफाइड एम्प्लॉज जॉब छोड़ के नहीं जाएगाफाइड एम्प्लॉज का ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ठीक होगा इजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर ठीक होगा जॉब सेटिसफेक्शन का आगे इंपैक्ट कस्टमर सेटिसफेक्शन पे भी आता है अगर एक एम्प्लॉय जॉब से सेटिसफाइड है ही विल डील द कस्टमर्स इन अ बेटर वे जॉब सेटिसफेक्शन एंड वर्क प्लेस मिसबिहेवियर सेटिसफाइड एम्प्लॉय वर्क प्लेस मिसबिहेव कम करेगा तो इन सब चीज़ों का आपस में बहुत गहरा रिलेशनशिप है जॉब इन्वॉल्वमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट जॉब इन्वॉल्वमेंट इज द डिग्री टू बिच एन एम्प्लॉई आइडेंटिफाइज विद हीज़ हर जॉब एक्टिविटीज पार्टिसिपेट इन इट एंड कंसीडर हीज हर जॉब परफॉर्मेंस टू बी इम्पोर्टेंट टू हिज हर सेल्फ वर्थ इम्प्लॉ अपनी जॉब को अपनी वर्थ फील करता है कि इफ़ आई विल डू समथिंग रॉन्ग तो ये मेरी सेल्फ वर्थ सेल्फ ईगो के अगेंस्ट है तो इसका मतलब है वो अपनी जॉब में फुली इन्वॉल्व हो काम करेगा और जो इंप्लाई अपने जॉब में ज्यादा इन्वॉल्व होकर काम करेगा उसका कमिटमेंट लेवल ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाएगा कमिटमेंट की आगे का एक सामेक्टिव कमिटमेंट 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 लेकिन इन तीनों का जो बुनियादी मकसद है वो ये है सम टोटल ऑफ ऑल द लॉयलिटीज विच इंडिविजुअल हैज़ द ऑर्गेनाइजेशन दिस इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लाई की इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट का आपस में पॉजिटिव रिलेशन है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट इज अ डिग्री टू विच

जब इंप्लाई एंगेजमेंट होगी जॉब के साथ तो ऑटोमेटिकली इम्प्लॉई इन्वालमेंट होगी ऑटोमेटिकली जॉब सेटिसफैक्शन होगी ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट होगी और इन सब चीजों का लिंक होगा नेगेटिव इंटेंशन टू लीव के साथ अगर ये चीजें होंगी तो इंटेंशन टू लीव नहीं होगी टर्न नहीं होगी अगर ये चीजें नहीं होंगी तो टर्न होगा तो ये इनका आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप होगा एटीट्यूड एंड कंसिस्टेंसी

स्टार्ट से लेके एंड तक एम्प्लॉई का बिहेवियर कंसिस्टेंट किसी ना किसी तरह रहता है लेकिन चांसेस है कि कंसिस्टेंट बिहेवियर उनका नहीं रहेगा उसकी कई वजूहत है जिसमें से इम्पॉर्टेंट उसकी ट्रेनिंग है उसकी प्रमोशन है उसकी सुपरविजन है उसकी डेजिगनेशन है उसकी प्रमोशनल एबिलिटीज़ हैं और उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के उसको हम एसेट कंसिडर करते हैं लेकिन इन सब में जो चीज़ कंसिस्टेंट है वो उसकी कमिटमेंट है उसकी कंसिस्टेंसी टू लर्न है कंसिस्टेंसी टू लर्न न्यू आइडियाज़ है कंसिस्टेंसी टू लर्न न्यू चेंजेस कंसिस्टेंसी टू लर्न न्यू एटीट्यूड अगर ये चीज़ें उसमें एग्जिस्ट कर रही हैं तो ऑटोमेटिकली वो अपने कंसिस्टेंट बिहेवियर से ऑर्गेनाइजेशन का एक वैल्यूएबल एसेट बन सकता है